वेरी गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। टुडे आई एम हियर विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेगमेंट एंड देयर आर 25 क्वेश्चंस। ये सारे प्रयास सिर्फ इसलिए भी हैं ताकि सारी चीजें आपके काम आए, और आप विश्वास करें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस यहां आप कर रहे हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको दिए जा रहे हैं। जैसे कल के शिफ्ट में एक बच्चे ने कहा कि नोविंग आया हुआ, और मैं हर बैच में बच्चों को बताता हूं कि कभी भी नो का प्रयोग, बिलोंग का प्रयोग, अंडरस्टैंड का प्रयोग, एग्री वगैरह का प्रयोग आप इसे आईएनजी के फॉर्मेट में नहीं करते हैं आप, और वो आपके एग्जाम में दिया गया था। बहुत सारे मैं भी परसों किसी इसी बैच में, आपके यूट्यूब के बैच में मैंने परप्लेक्स बोला था, और कल के परप्लेक्स आप देखेगा, कल की सुबह के शिफ्ट में परप्लेक्स आपको दिया गया था। एक्चुअली है क्या कि जो पेपर आपको दिया जा रहा है वो पेपर बहुत अच्छा दिया जा रहा है। जिन बच्चों ने भी प्रिपरेशन की है उन बच्चों के लिए पेपर बहुत इजी आ रहा है। क्यों इजी आ रहा है? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर सेट्स के जो पेपर्स हैं उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए बहुत फायदा आपका है। जैसे कल अगर आपको याद हो, कल के पहले तक कंटेम्पोररी जैसे वर्ड आया हुआ था, जो आप जानते हैं समकालीन को कहते हैं आप, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स आया हुआ था, जो मैंने पढ़ाया था आपको कि जब आप एक नेचुरल ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, उल्टा क्रम कर देते हैं, तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स होता है। यानी बिल्कुल इजी, वर्सेटाइल जैसे वर्ड्स दिए जा रहे हैं, आश्चर्य कि सैक्रेड जैसे वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं, फिलिस्टीन जैसे वर्ड्स आ रहे हैं। बहुत बढ़िया पेपर आप कर सकते हैं। जिन बच्चों का पेपर अभी नहीं हुआ है वो विश्वास करें आगे और बेहतर कर सकते हैं। आप ये भी देख रहे होंगे टीचर्स के बीच में एक जंग सी भी चल रही है, बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं। कोई ऐसा जो सामने वाले की आलोचना कर रहा है, कोई ऐसा जो दूसरे वाले की आलोचना कर रहा है, लेकिन हम आप इन सब से दूर अपने टारगेट की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे हम बढ़ते जाएं, लेकिन हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए? बहुत फास्ट होनी चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी सफलता के उस शिखर पर पहुंच सकें जहां पे हम सब कुछ हासिल कर सकते हो, जहां पे हमारी जरूरतें नहीं हमारे ख्वाब पूरे हो सकते हो, हमारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो सेगमेंट है उसमें दो चीजें हैं। 23 क्वेश्चंस आपके सेंटेंस फिलर्स पर है और दो क्वेश्चंस आपके सेंटेंस अरेंजमेंट यानी पिक्यूआरएस पर है। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि उसमें पिक्यूआरएस वगैरह भी आप कराते रहे, क्लोज टेस्ट भी कराते रहे, हर कुछ मैं वो कोशिश करूंगा जिससे आपका भला हो सकता हो। जो भी बच्चे अब तक नए जुड़े हो वो मेरे चैनल पे जाए, वहां पे प्ले लिस्ट आपको मिलेगा, वहां अलग अलग सेगमेंट्स हैं, कॉमन एरर के सेगमेंट्स हैं, एमबी पब्लिकेशन की जो बुक है एमबी बुक उसका सेगमेंट मिल जाएगा आपको, ग्रामर का सेक्शन मिल जाएगा, वोकैब का सेक्शन आपको मिल जाएगा, ये सारी चीजें वहां पे है। आप तो जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन किए हैं वो प्रैक्टिस सेट्स वहां पे डाले हुए, प्रैक्टिस सेट के सेगमेंट में प्लेलिस्ट आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट के नाम से मिलेंगे, उसे शुरू से सॉल्व करें आप, हर वो चीज तैयार करें जो आपको इस चैनल पे मिलती है, हर चीज आपके काम आए। वहां पे कंडीशनल सेंटेंस का एक बच्चे का वीडियो है मेरा, वो भी आप देख सकते हैं, इन्वर्जन का वीडियो है वो भी देख सकते हैं, टेंस का वीडियो है वो भी देख सकते हैं। तो देर ना करें, आज से ही तय कर लें कि सब कुछ हमको करना है जिससे हमको आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये सेंटेंस फिलर है, समझते होंगे आपके, हर एग्जाम में आपको दिया जा रहा है, तो आप इसमें चार ऑप्शन आपके हैं। अब यहां नो इंप्रूवमेंट का सेगमेंट नहीं, नो इंप्रूवमेंट मैंने कल आपको 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो कराए थे, परसों तक आपने कॉमन एरर किया हुआ था उसके पहले आपने प्रैक्टिस सेट्स किए हुए थे, ऐसे हम आगे बढ़ते रहे, आगे और बेहतर आगे किया जाएगा। जो भी आपके सुझाव हो वो निश्चित आप दें। चलिए यहां बोले क्या सही होगा आपका, द स्टैच्यू डैश अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम, कर लेंगे आप। सारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको दिए गए हैं, सारे 2500 क्वेश्चंस वही मैंने आपको यहां प्रोवाइड कराए हैं। क्या सही है, द स्टैच्यू स्टैंड्स एज होगा यहां पर ये होगा, या द स्टैच्यू स्टैंड्स फॉर होगा, या स्टैंड्स अगेंस्ट होगा, या स्टैंड्स टू होगा। जिन बच्चों ने भी इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा वो बच्चे आराम से इसे कर सकते हैं।
क्या हो, समझ गए आप? जब भी आप किसी चीज को किसी प्रतीक के रूप में आप यूज करते हैं तो दैट इज यूज्ड आर स्टैंड्स फॉर, यानी द स्टैच्यू, वो जो स्टैच्यू है, जो मूर्ति है, स्टैंड्स फॉर अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम, यानी ग्लोबल सिंबल जो वैश्विक प्रतीक है ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता के वैश्विक प्रतीक के रूप में वो स्टैच्यू जो है वो स्टैंड्स फॉर क्या कर रही है, ये कर रही है। स्टैंड फॉर मीन्स प्रतीक होना, किसी चीज को सिंबलाइज करना, किसी चीज को इम्ब्लेम करना, अर्थात प्रतीक के रूप में होना, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। स्टैंड्स एज नहीं होगा, क्योंकि स्टैंड्स एज प्रतीक के रूप में आप प्रयोग नहीं करते हैं। स्टैंड अगेंस्ट क्या होता है, किसी के खिलाफ, किसी के विरोध में खड़े हो जाना, और स्टैंड्स टू तो कोई ऐसा नॉर्मल है यूज नहीं होता आपका, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा यहां पे वो क्या हो जाएगा, द स्टैच्यू यहां पे आ जाएगा स्टैंड्स फॉर, यानी ये हो जाएगा। तो द स्टैच्यू स्टैंड्स फॉर अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन आपका है। अ लेजिस्लेशन वाज पास्ड, यानी एक कानून, एक विधान, एक प्रावधान वाज पास्ड, पास कर दिया गया, टू पनिश ब्रोकर्स, उन ब्रोकर्स को, उन दलालों को पनिश करने के लिए, हु जो डैश देयर क्लाइंट्स फंड्स, जो अपने क्लाइंट्स के जो जमा राशियां होते थे उनको हड़प जाते, उनको गबन कर लेते थे, उनके लिए एक लेजिस्लेशन में, विधानमंडल ने एक लेजिस्लेशन पास कर दिया उनको दंडित करने का, क्या सही? तो उनको जो डिफाल्केट करते थे, वो जो एम्बेसल करते थे, वो जो डिवास्टेट करते थे, वो जो डेवर करते थे, ये कब कर पाएंगे आप, जब आप इन चारों वर्ड्स की एग्जैक्ट मीनिंग और उनके जो मैन्यूट डिफरेंसेस होते हैं वो आप जानेंगे, तब आप कर पाएंगे, क्या सही लग रहा? अ लेजिस्लेशन वाज पास्ड टू पनिश ब्रोकर्स हु डैश देयर क्लाइंट्स फंड्स, हु डिफॉल्केट देयर क्लाइंट्स फंड्स, हु एम्बेजल देयर क्लाइंट्स फंड्स, हु डिवास्टेट देयर क्लाइंट्स फंड्स, Who devoured their clients' funds? Defalcate क्या होता है? गबन करना। Embezzle क्या होता है? गबन करना। दोनों means हड़प लेना या गबन करना होता है। Normally ये पैसों वगैरह के लेन देन संबंधित होता है। Devastate क्या होता है? नष्ट कर देना, विनाश कर देना। Devour क्या होता है? निगल जाना, swallow up कर लेना, ओंठ जाना उस चीज को। Devour होता है खा जाना, नष्ट कर देना, ये devour होता है। क्या सही है? दोनों सही है ना, डिफॉल्केट भी और एम्बेसल भी, दोनों मींस गवर्न करना होता है, फिर दोनों तो होगा नहीं यार, आंसर तो आपका एक ही होगा ना, तो क्या लग रहा है आपको, डिफॉल्केट लेना चाहेंगे या एम्बेसल लेना चाहेंगे? दोनों मींस गवर्न करना होता है, याद कर लीजिएगा, क्या लेंगे आप? आपका आंसर डिफॉल्केट नहीं होगा, आपका आंसर होगा एम्बेसल। एम्बेसल दोनों में से इसलिए आपने चूज किया क्योंकि डिफॉल्केट एक ऐसा वर्ड है जो इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज होता है। जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज होता है, जैसे कम है, गो है, स्लीप है ना, तो ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेते, जबकि इम्बेजल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज होता है। तो अगर इम्बेजल ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज होता है तो फिर हमें ये पता करना होगा यहां ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। लेजिस्लेशन वॉज पास्ड टू पनिश ब्रोकर्स हु, जो कौन, जो अपने क्लाइंट्स के फंड्स को क्या कर जाते थे, गबन कर जाते थे, कि क्या गबन कर जाते थे, अपने क्लाइंट्स का फंड, यानी ऑब्जेक्ट है आपके पास, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है कि आप डिफॉल्केट नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिफॉल्केट इन ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या यूज करेंगे, इम्बेजल, क्योंकि आपको ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए।
डिवास्टेट ब्रोकर्स से संबंधित क्या है? जो दलाल होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, उनका काम पैसों के लेन देन संबंधित होता है। तो डिवास्टेट तो बड़ा वर्ड है, विनाश कर देना, नष्ट कर देना। देवर पैसों को निगल तो जाएंगे नहीं, फंड्स को घोंट तो जाएंगे नहीं वो। सो यू कैन नॉट यूज ही डिवास्टेट और देवर विल हैव टू यूज वन ऑफ दीज डिफॉल्केट एंड एम्बेस। इफ यू आर यूजिंग डिफॉल्केट इट मीन्स इट नीड्स वट नो ऑब्जेक्ट। And if you are using embezzle, it needs an object and there is an object, so you have to use embezzle, okay? यानी यहाँ पे आपका answer जो होगा वो B हो जाएगा, okay? तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, internet cafe owners fear, यानी internet cafe owners में fear, उन्हें डर है that कि a police crackdown, कि पुलिस की जो रेड है, जो छापे वगैरह हैं, उनकी जो बंदिशें हैं, मेक कॉज वो कहीं कहीं कारण बन सकते हैं डैश डैमेज टू देयर बिजनेस, उनके बिजनेस के खराब होने का, नुकसान होने का। यानी पुलिस का जो क्रैक डाउन है वो कहीं कहीं उनके बिजनेस के डैमेज होने का, नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकता है। तो वो पुलिस का जो पुलिस के क्रैक डाउन की वजह से जो उनका नुकसान हो रहा है वो नुकसान रिपरेबल होगा, वो नुकसान इरेपरेबल होगा, वो नुकसान एटर्नल होगा या फिर वो अनटोल्ड होगा। वर्ड्स हैं, बहुत इजी हैं, आपको पढ़ाया गया होगा। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता है वो इनकरेजिबल होता है। लेकिन कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा ऑर्डिकल, कोई ऐसी वस्तु जिसको सुधारा ना जा सकता हो, जिसको बनाया ना जा सकता हो, वो इरिपेरेबल होता है। जब आपकी कोई अपूर्णीय क्षति होती जिसको सुधारा ना जा सकता हो, वापस रिकवर न लिया जा सकता हो, वो इरिपेरेबल होता है। तो क्या होगा? रिपेरेबल डैमेज होगा, इरिपेरेबल डैमेज होगा, एटर्नल डैमेज होगा, या एटर्नल यू नो एवरलास्टिंग, जो शाश्वत है, हमेशा के लिए होता है, वो एटर्नल होता है। जैसे आजकल एटर्नल लव होता है ना, शाश्वत प्रेम होता है, कुछ समय के लिए फिर टूट जाया करता है ना, एटर्नल लव होता है। चलिए, तो इंटरनेट कैफे डाउन्स फियर दैट ओनर्स फियर दैट अ पुलिस क्रैक डाउन मे कॉज रिपेरेबल डैमेज, मे कॉज इरिपेरेबल डैमेज, मे कॉज एटर्नल डैमेज। अब एटर्नल डैमेज तो नहीं होगा, ऐसा डैमेज नहीं होगा जो कभी शाश्वत होता हो, इटर्नल को लीव आउट कर देते हैं। अनटोल्ड डैमेज तो नहीं होगा, डैमेज होगा तो अनटोल्ड कैसे रहेगा, अनटोल्ड मीन्स अनकहा, तो ये इसका कोई मतलब नहीं। दो में से चूज करना, या तो रिपेरेबल डैमेज होगा या इरिपेरेबल डैमेज होगा, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? इरिपेरेबल डैमेज, यानी अपूर्णीय क्षति होगी, ऐसी क्षति होगी जिस क्षति को जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये यही आप भी तो चूज कर रहे हैं, यही होगा ना। इंटरनेट कैफे ओनर्स फियर दैट अ पुलिस क्रैकडाउन मे कॉज इरिपेरेबल, ये हो जाएगा इरिपेरेबल डैमेज टू देयर बिजनेस, यानी अपूर्णीय क्षति होगी जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द सुप्रीम कोर्ट हैज डैश टूरिज्म इन द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने टूरिज्म को फॉरेस्ट के कोर एरिया में टूरिज्म को प्रोपेगेट किया है, इनकैप्सुलेट किया है, फोर्स किया है या प्रोहिबिट किया है, क्या किया है उसने? जब तक आप वाक्य की हिंदी नहीं समझे तब तक आपके लिए दिक्कतें रहेंगी, इसलिए इनके हिंदी अच्छे समझे। द सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोपगेटेड, प्रोपगेट मीन्स होता है किसी चीज का प्रचार प्रसार करना, ना प्रोपगेंडा फैलाना, तो प्रचार प्रसार करना, यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रचार प्रसार किया है कि फॉरेस्ट का जो कोर एरिया यानी मेन एरिया है, अंदरूनी हिस्सा है फॉरेस्ट का, उस कोर एरिया में आप पर्यटन फैलाएं। कहेगा क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा? नहीं कहेगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज इनकैप्सुलेटेड, आजमगढ़ में मैंने पहली बार, मैं पहला सबका जिसने
कैप्सूल कोर्स शुरू किया। पहली बार मैंने शुरू किया था और अब धीरे धीरे बहुत जगह कैप्सूल कोर्स चलाया जाता है। मैंने 2002-03 में शुरू किया, वो मैंने उसे कैप्सूल कोर्स का नाम दिया। कैप्सूल कोर्स क्यों? क्योंकि किसी चीज को जब आप छोटे साइज में छोटी मात्रा में देते हैं तो कैप्सूल होता है, यही होता है ना। तो उसी कैप्सूल में एन जोड़ा गया, वर्ब बना दिया गया एन कैप्सूलेट, और ए पी ई जोड़ करके वर्ब बना दिया गया और ये उसकी सेकेंड फॉर्म है ना। तो एन कैप्सुलेटेड अर्थात किसी चीज को छोटी छोटी मात्रा में देना अर्थात सूक्ष्म बिंदुओं के रूप में देना। अगर ये नहीं ले रहे हैं तो द सुप्रीम कोर्ट हैज फोर्स्ड टूरिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टूरिज्म के लिए फोर्स करें कि कोर एरिया में फॉरेस्ट को हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट फोर्स करेगा क्या? द सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोहिबिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है, बैन कर दिया है टूरिज्म को, या फॉरेस्ट का जो कोर एरिया है उस कोर एरिया में क्या नहीं चला सकते हैं टूरिज्म, यानी पर्यटन नहीं कर सकते हैं आप। उसने क्या किया? प्रोहिबिट किया। देखिए वर्ड्स देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं, प्रोपगेट यानी प्रचार प्रसार करना, इनकैप्सुलेट किसी चीज को छोटी छोटी मात्रा में देना अर्थात सार करके संक्षेप में किसी चीज को देना, फोर्स मजबूर करना, कॉम्पेल करना, बाउंड करना, और प्रोहिबिट बैन कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, यानी हो जाएगा द सुप्रीम कोर्ट, ये हो जाएगा प्रोहिबिट आपका। द सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोहिबिटेड टूरिज्म इन द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। आ रहा होगा आपको, अच्छा लग रहा होगा धीरे धीरे कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने, नन ऑफ द गेस्ट एट मच एट द पार्टी। कोई किसी भी मेहमान ने पार्टी में एट मच बहुत अधिक भोजन नहीं किया। बिकॉज क्योंकि द फूड लुक्ड, क्योंकि भोजन दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? वो अनऑथराइज्ड दिख रहा था, अनसेरेमोनियस दिख रहा था, अनअप्रोचेबल दिख रहा था, या अनएपेटाइजिंग दिख रहा था। क्या दिख रहा था? भोजन दिख रहा था अनऑथराइज्ड, अनधिकृत दिख रहा था, भोजन अनधिकृत भी होता है, वो अनसेरेमोनियस दिख रहा था, अनौपचारिक दिख रहा था, लोगों से संपर्क वगैरह नहीं करना चाहता था, ऐसा था क्या? अनअप्रोचेबल दिख रहा था, यानी उस भोजन तक अप्रोच नहीं किया जा सकता था, ऐसा था क्या? अनअपेटाइजिंग दिख रहा था, बेस्वाद दिख रहा था, विदाउट एनी टेस्ट दिख रहा था, डिस्टेस्ट दिख रहा था, ऐसा था क्या? था ना, यही तो था। क्यों नहीं भोजन किया होगा? क्योंकि भोजन क्या रहा होगा? अनएपेटाइजिंग रहा होगा, यानी स्वाद लेस, यानी डेलिशियस नहीं रहा होगा, टेस्ट लेस रहा होगा, यही ना। यानी नन ऑफ द गेस्ट एट अनएपेटाइजिंग हो जाएगा, none of the guests ate much at the party because the food looked what? Unappetizing, यानी स्वाद रहित, टेस्ट लेस दिख रहा था। छठवां क्वेश्चन हमारे सामने है, if you say to someone, यदि आप किसी से कहें, you are so full of yourself, you are so full of yourself, तो दे विल प्रॉबेबली फील, उन्हें शायद महसूस होगा, वो महसूस क्या होगा? प्राउड होंगे वो, उन्हें अपने ऊपर गर्व होगा, या फिर वो काम होंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, या फिर वो प्लीज्ड हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, दिल से प्रसन्न हो जाएंगे, या फिर वो अपसेट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, मैं उन्हें बुरा लगेगा, व्यथित होंगे वो, दे विल नॉट फील गुड, कि वो अच्छा नहीं महसूस हो। क्या हो? इसलिए पहले क्या चाहिए आपको पता है? You are so full of yourself की मीनिंग सही कह रहा हूं नहीं? Unless and until you are able to understand the meaning of you are so full of yourself, how can you answer this question? कैसे दे सकते हो आप? क्यों नहीं दे सकते हो आप? Because आप इसकी मीनिंग्स नहीं जानते। इसलिए मैं फिर से आपसे कहूंगा, वोकैब को स्ट्रांग करें। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर वोकैब तैयार करने का तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है, आप पढ़े एडिटोरियल पढ़े, पर डे पढ़े, और आप किसी पेपर से ना पढ़े। पेपर से पढ़ेंगे ठीक है, बहुत बच्चों का तर्क होता है कि सर पेपर से पढ़ने में फायदा होता है, बिल्कुल पढ़ें, आपका लॉजिक है, मेरा लॉजिक है कि आप इंटरनेट पे पढ़ें, आप
इंटरनेट पे बहुत ऐसी साइट्स हैं जो साइट्स आपको एडिटोरियल के साथ साथ वहीं पर उसकी मीनिंग्स भी देती हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूसेज, मीनिंग्स सब कुछ दे रही हैं और प्लस उनकी हिंदी के साथ आपको देते हैं। तो जब आप वहां पे पढ़ेंगे ना, या फिर आपके पास सुविधा हो आप उसे कॉपी एंड पेस्ट करने जो भी, तो अगर आप वहां पे पढ़ोगे आप तो उससे फायदा ये होगा कि जब आप पढ़ रहे हो मीनिंग फंस गए तो नीचे है वो वर्ड्स, और ऐसे पेपर में पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन ही रहेगा, आप डिक्शनरी खोलिए, आप नेट पे जाइए या मोबाइल की डिक्शनरी में देखिए, ये सब तीन पांच करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं इंटरनेट की साइट पे आप द हिंदू वगैरह पढ़ेंगे आपको ज्यादा फायदा। एडिटोरियल पढ़िए, इसके अलावा आप क्या करिए, आप रूट वर्ड्स वगैरह तैयार करें कि कोई शब्द देखें तो आप देख के थोड़ा बहुत समझ सके कि हाँ इसी से इसका मतलब होगा, तो निश्चित ही आपके वोकैब बेहतर हो जाए। चलिए देखते हैं फिर आप। If you say to someone, यदि आप किसी से कहते हो you are so full of yourself, तो they will probably feel, तो फिर वो क्या महसूस करें, आप एक ग्रामर यहां देख रहे हैं कि नहीं। If you say to someone, और यहां पे क्या लिखा है, they will, this is modern grammar, है ना, कि someone के लिए क्या लगाया गया, they, modern grammar में ऐसा use किया जाता है। तो if you say to someone you are so full of yourself, तो उन्हें क्या महसूस होगा, उन्हें अपसेट हो जाएंगे। वो क्यों अपसेट हो जाएंगे, क्योंकि फुल ऑफ योर सेल्फ मीन्स होता है जो आदमी खुद में ही खोया रहता हो, खुद के ही बारे में सोचता रहता हो, जो आदमी सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, किसी और का ध्यान न रखता हो, ही इज फुल ऑफ हिमसेल्फ। तो जब आप किसी से कहोगे आप यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, आप तो अपने ही बारे में सोचते हो, तो क्या वो प्राउड होगा, क्या गर्व होगा, क्या खुश होगा, क्या शांत रहेगा, क्या वो क्या महसूस करेगा, अपसेट महसूस करेगा। यहां आंसर हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन, यानी इफ यू से टू समवन यू आर सो फुल ऑफ योरसेल्फ, आप स्वार्थी अपने ही बारे में सोचते हो, तो वह अपसेट हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन पे आ गया। Bob and Jane decided to tie the knot because, ये तो तुरंत आना चाहिए आपको। Bob and Jane decided to tie the knot because they needed to save money, उन्होंने tie the knot कर लिया क्योंकि पैसे बचाने थे। They wanted to make a long rope, लंबी सी रस्सी बनाना चाहते थे। It had come under क्योंकि अब उनके काम का नहीं था। दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार करते थे। वैसे किताब में वन एनदर लिखा था, लेकिन दो लोग हैं तो ईच अदर बेहतर होता। क्या सही, ये भी कब समझोगे आप, जब आप टाई द नॉट समझेंगे। और आप जानते हैं पिछले साल भी आया हुआ था, टाई द नॉट टू गेट मैरिड, मीन्स क्या कर लेना, शादी कर लेना। तो बॉब एंड जेन डिसाइडेड, ये तो ऑप्शन देखते और देखते तो भी समझ सकते थे आप। Bob and Jane decided to tie the knot, यानी Bob and Jane decided that they loved each other, यानी उन्होंने तय किया कि वो शादी कर लेंगे क्योंकि they loved each other, क्योंकि एक दूसरे से क्या करते थे, वो प्यार करते थे, और जब प्यार करते तो शादी करना तो बहुत जरूरी है। तो this is seventh question, they loved each other, यानी ये वाला आंसर आपका हो जाएगा यहां पर, ठीक ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा, टाई द नॉट टू गेट मैरिड, शादी कर लेना। एट क्वेश्चन आ गया, वी थ्रू आउट सम ओल्ड फर्नीचर, हमने कुछ पुराना फर्नीचर फेंक दिया, सो दैट ताकि द न्यू टेलीविजन सेट डैश एनफ स्पेस। नॉर्मल ऐसे प्रश्न रेगुलरली आपको दिए जाते हैं, और जिस बच्चे ने भी हल्की सी मेहनत की होगी वो बच्चा भी इसको कर लेगा ना। क्या होगा इसका, चीख चीख के क्लू आपसे कह रहा है कि ये होगा, हिंट मिल रहा है आपको, बाबू करिए, क्या करेंगे आप, क्या लेना चाहेंगे, हैज लेना चाहेंगे, सो दैट द न्यू टेलीविजन सेट हैज एनफ स्पेस, या फिर विल हैव लेना चाहेंगे, या हैव लेना चाहेंगे, या कुछ नहीं लेना चाहेंगे, हैड लेना, क्या लेंगे आप, बिल्कुल इजी है, हैड लेंगे आप। क्यों लेंगे आप, क्योंकि वी थ्रू आउट कौन सा टेंस है, पास्ट, जब ये पास्ट हो गया तो हैज विल हैव
और ये हैव, इन सब का फिनिश कर दो आप, आंसर क्या हो जाएगा, ये हैव हो जाएगा, ये बना। यानी विथ यू ऑफ सम ओल्ड फर्नीचर सो दैट द न्यू टेलीविजन सेट हैड एनफ स्पेस, ताकि टेलीविजन, नए टेलीविजन सेट के लिए क्या हो, पर्याप्त तो जगह हो जाए, क्योंकि ये पास्ट था इसलिए एक ही ऑप्शन आपके पास था, है। ओके, नवा क्वेश्चन हमारा है, नाइन्थ क्वेश्चन। वी डैश इन होप दैट थिंग्स विल इंप्रूव इवेंचुअली, इवेंचुअली याद है ना आपको, इवेंचुअली मीन्स फाइनली, अंततः, अंत में। तो वी डैश इन होप दैट, हम इस आशा में कि चीजें धीरे धीरे यानी अंततः इंप्रूव कर जाएंगी, सुधर जाएंगी, सही हो जाएंगे। तो वी लिव होगा यहां पे, वी लिव इन हो, या वी स्टे इन हो, या वी सर्वाइव इन हो, या वी ब्रिंग इन हो। ब्रिंग तो नहीं होगा, वी ब्रिंग इन हो नहीं होगा यहां, ब्रिंग को हटा देते हैं, मैटर इनका फिनिश कर देते हैं। लिव, स्टे या सर्वाइव, क्या सोच के बताए क्या बेस्ट है। वी लिव इन होप, हम इस आशा में रहते हैं दैट कि थिंग्स विल इंप्रूव इवेंचुअली, कि चीजें एक दिन दुरुस्त हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। वी स्टे इन होप, लग रहा है क्या, जब कह रहा है थिंग्स विल इंप्रूव इवेंचुअली, धीरे धीरे या अंततः चीजें सही हो जाएंगी, तो क्या स्टे लगता है क्या आपको। वी सर्वाइव इन होप, सर्वाइव क्या होता है, इफ यू आर इन अ क्रिटिकल सिचुएशन, यदि आप एक कठिन परिस्थिति में हैं, इवन देन यू सर्वाइव, फिर भी आप उसको निपट लेते हो, उससे अपने आप को बनाए रखते हो, अपने आप को जिंदा रखते हो, तो आप क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। क्या यहां फिट बैठ रहा है क्या, ब्रिंग होगा नहीं, लिव होगा, बिल्कुल इजी है। वी लिव इन होप, हम इस आस में जिंदा रहते हैं दैट की थिंग्स विल इंप्रूव इवेंचुअली, कि चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, अंततः सही हो जाए। हमारे आपके परिवार में हर जगह ऐसे ही होता है, इस देश में भी मैसेज जिंदा है ना, कि हम सोचते हैं धीरे धीरे हमारा देश अंततः क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई मोदी जी, कोई गांधी जी, राहुल गांधी जी आकर के हमको अच्छा बना जाएंगे, हम खुद अच्छा नहीं बनना चाहते। तो वी लिव हो जाएगा, वी लिव इन होप दैट थिंग्स विल इंप्रूव इवेंचुअली, सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे, आपको शायद सर्वाइव लग रहा होगा। सर्वाइव तब यूज करिएगा जैसे कहीं बाढ़ आ गई हो, लोगों की जिंदगी पर आ गई हो, लेकिन उसके बावजूद वो सर्वाइव कर जा रहे हो, मीन्स उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी, वो उस डिफिकल्ट पोजिशन में भी वो अपने आप को बचा ले रहे हैं, कि सर्वाइव करना होता है, यहां इसका कोई सेंस नहीं था। दसवां क्वेश्चन है आपके साथ, द मैनेजर बिगेन टू डाउट, मैनेजर को डाउट होने लगा, द डैश ऑफ हिज असिस्टेंट, नहीं असिस्टेंट के किस पे डाउट होने लगा, असिस्टेंट के क्रेडिट्स पे डाउट होने लगा, असिस्टेंट के क्रेडेंशियल्स पे डाउट होने लगा, असिस्टेंट के चांसेस पे डाउट होने लगा, या असिस्टेंट के क्रेडिट पे डाउट होने लगा। क्रेडिट्स उधार वगैरह को कहते हैं आप, क्रेडिट जो आपका श्रेय, आपका विश्वास होता है, क्रेडेंशियल्स जो आपकी पहचान, आपकी साख, आपका बैकग्राउंड होता है, आपका परिचय होता है, चांसेस जो आपकी अपॉर्चुनिटी, आपका अवसर होता है, क्या सही। द मैनेजर बिगेन टू डाउट, मैनेजर को शक होने लगा असिस्टेंट के क्रेडिट्स पर, उसके उधार खातों पर, ऐसा है क्या, नहीं ना, असिस्टेंट के क्रेडेंशियल्स पे डाउट होने लगा, उसकी उसके बैकग्राउंड पे डाउट होने लगा, वाह हुआ ना कि ये बंदा सही नहीं है, इसका बैकग्राउंड सही नहीं, यही होगा ना। या फिर असिस्टेंट के चांसेस, उसके चांसेस पे डाउट होने लगा, व्हाट इज दिस, चांसेस पे डाउट होने लगा, असिस्टेंट के क्रेडिट पे डाउट होने लगा, उसके क्रेडिट पर, श्रेय पर डाउट होने लगा, नहीं, बिल्कुल आसान है, जब उसने धीरे धीरे महसूस किया कि अच्छा नहीं है, तो उसे उसके बैकग्राउंड पे क्या हुआ होगा, डाउट हुआ, उसकी परिचय पर डाउट हुआ होगा कि बंदा कैसा है, क्यों नहीं अच्छे से काम कर रहा है, दिस इज क्रेडेंशियल्स। तो द मैनेजर बिगेन टू डाउट द क्रेडेंशियल्स ऑफ हिज असिस्टेंट, यानी वह उसके उस क्रेडेंशियल्स पर, उसके परिचय पर, यानी वो कैसा है, क्यों है वो,
किस तरीके काम कर रहा है, इस क्रेडेंशियल्स पर उसे क्या होने लगा, डाउट होने लगा। 11th क्वेश्चन आ रहा है, ही मेड अ पावरफुल डैश इन द रीजन, रीजन में क्षेत्र, एंड पीपल फेल्ट, और लोगों को महसूस होने लगा, ही वुड मेक अ गुड लीडर इन द डेज टू कम, कि आगे आने वाले दिनों में ही वुड मेक अ गुड लीडर, यहां मेक से बेहतर बीकम होता, ही वुड बीकम अ गुड लीडर, वह एक अच्छा नेता बनेगा। ही मेड अ पावरफुल डैश इन द रीजन, चार ऑप्शन है, डिस्कर्शन, मार्कड, इंप्रेशन और इंटरेस्ट, क्या चूज करना चाहिए, ही मेड अ पावरफुल डिस्कर्शन या ही मेड अ पावरफुल मार्कड, ही मेड अ पावरफुल इंप्रेशन या ही मेड अ पावरफुल इंटरेस्ट, क्षेत्र में उसका क्या बनने लगा। देखिए, अगर आप ग्रामर मेहनत किए हो तो आप जाने के डिस्कर्सिव और मार्कड कभी नहीं होंगे, क्योंकि पावरफुल एडजेक्टिव है, इसके बाद आपको एक नाउन चाहिए और डिस्कर्सिव यानी आईवीई एडजेक्टिव होता है। डिस्कर्सिव समझते होंगे, असंबद्ध, जो बिना तालमेल का होता है वो असंबद्ध डिस्कर्सिव होता है। आपने याद किया होगा कर्सिव राइटिंग, जो मिला करके घसीटा राइटिंग लिखा जाता है वो कर्सिव होता है। तो डिस्कर्सिव अलग अलग, असंबद्ध, और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कैसे आएगा पावरफुल के बाद, मार्कड भी पास्ट पार्टिसिपल है यानी एडजेक्टिव है, कैसे आएगा, जब भी आएगा दो में से एक, इंप्रेशन आएगा या इंटरेस्ट, ये दोनों क्या है, नाउन के रूप में काम करता है। अब अगर आप इस वाक्य को देखेंगे कि उसने उस रीजन में अच्छा इंप्रेशन बनाया या अच्छा इंटरेस्ट बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया उसने रीजन में, कि लोगों को लगने लगा वो एक दिन अच्छा नेता बनेगा, उसने उस क्षेत्र में क्या बनाया होगा, उसने उस क्षेत्र में अच्छा इंप्रेशन बनाया होगा, यही ना, उसने अपना प्रभाव जमाया होगा उस क्षेत्र में कि लोगों को लगने लगा वह एक दिन अच्छा नेता बनेगा। तो रीजन, मार्क, इंटरेस्ट, डिस्कर्स से खत्म करते हैं और इंप्रेशन को सही करते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, इन दीज डेज आजकल ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति के दिनों में, वी ऑल हैव टू डैश आवर बेल्ट्स, हमें अपना बेल्ट वगैरह, क्या हमें अपना बेल्ट स्ट्रेंथन करना होगा, मजबूत करना होगा, हमें अपना बेल्ट लेसन करना होगा, कम करना होगा, हमें अपना बेल्ट शॉर्टन करना होगा, छोटा करना होगा काट करके, हमें अपना बेल्ट टाइटन करना होगा, कसना होगा, क्या करना होगा मुद्रा स्फीति के इन दिनों में, क्या करेंगे आप, अपनी बेल्ट को आप स्ट्रेंथन करेंगे मुद्रा स्फीति के दिनों में, अपनी बेल्ट को आप लेसन करेंगे, अपनी बेल्ट को शॉर्टन करेंगे या अपनी बेल्ट को टाइटन करेंगे, ये कब आएगा, जब आपको एक इडियम आए, कौन सा इडियम, टाइट वंस बेल्ट्स, जिसके मीन्स होता है खर्चे वगैरह कम करना, अर्थात हिसाब से रहना, बेल्ट को टाइट रखना, ज्यादा नहीं खाना है, दिस इज टाइट आवर बेल्ट्स। तो इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन वी ऑल हैव टू टाइटन, वर्ब है ना टाइट में एन, वी ऑल हैव टू टाइटन आवर बेल्ट्स, देखिए सारे में एन जुड़ा है, स्ट्रेंथ में एन वर्ब हो गया, शॉर्ट में एन वर्ब हो गया, लेस में एन वर्ब हो गया, टाइट में एन वर्ब हो गया। जब भी किसी शब्द के अंत में एन देखें नॉर्मली वो वर्ब हो जाता है, एकाद अपवाद है जैसे चिल्ड्रेन अपवाद है, बाकी सब करीब करीब वर्ब से हो गया। यहां कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, टाइटन, टाइटन आवर बेल्ट, खर्च वगैरह कम करना, सही तरीके से निर्वहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, हिज एंड हर टैलेंट्स आर, उसके और उसके जो टैलेंट्स हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, PLI कॉम्प्लीमेंट्री, प्रशंसात्मक है, उनके टैलेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, उनके टैलेंट्स कॉम्प्लीमेंटिंग हैं, मीन्स कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं, या उनके टैलेंट्स कॉम्प्लिकेटिंग हैं, पेंचीदा है, जटिल है, बहुत आसान है, उन दोनों के टैलेंट्स एक दूसरे के क्या है,
समझिए मैं जो कह रहा हूं, समझ रहे होंगे आप। उन दोनों के टैलेंट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ये होंगे पूरक होंगे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला PLE। PLI क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस कॉम्प्लीमेंट में प्रशंसा होती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रशंसनीय, यह प्रशंसनीय का तर्क नहीं था। उनके जो टैलेंट्स हैं वो एक दूसरे के पूरक है। जैसे आप एक बच्ची को देखते होंगे फेसबुक वगैरह पे, उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, उस बच्ची का नाम है मैथिली, बहुत छोटी सी बच्ची 13-14 साल की, लेकिन अगर आप उसे देखें तो आप मतलब उसकी आवाज में वो चीज है जो आप कहीं कहीं नहीं शायद पाए उस एज में। और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री का काम कौन करता है? उसके दो छोटे छोटे भाई जो तबला वगैरह बजाते हैं। कभी जाइएगा फेसबुक पे, लिखेगा मैथिली, मिलेगा आपको। अब देखिएगा वो दोनों भाई और वो बच्ची एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स क्या है? पूरक है। तो यहां पे ये ऑप्शन आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। लेट अस सिट डाउन डैश द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। चलो पेड़ की छांव में कुछ देर के लिए बैठते हैं। तो बीनीथ द शेड होगा, इन द शेड होगा, बिलो द शेड होगा या इनसाइड द शेड? क्या यहां दिया नहीं, अंडर भी होना चाहिए था, अंडर द शेड होगा, क्या होगा? बहुत आसान है, तो इडियम है आपका इन द शेड ऑफ, की छांव में, ये भी आएगा ना। लेट अस सिट डाउन इन काम आएगा एग्जाम में, बहुत बार ये दिया गया है आपको, ध्यान रखिएगा। तो लेट अस सिट डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर और फिल इन द ब्लैंक्स, तीनों जगह पे आपके काम आए। फिफ्टींथ क्वेश्चन आ गया हमारा, परवीन लिखा है, प्रवीण भी हो सकता था, परवीन एंड नीलिमा कुड नॉट एनरोल इन द कॉलेज, यानी वो अपने आप को एनरोल नहीं कर सके, नॉमिनेशन नहीं करा सके वो, डैश दे हैड ऑलरेडी मैनेज्ड टू गेट अ पासिंग स्कोर इन द ऑफिशियल एग्जाम, इन्होंने पासिंग स्कोर ऑफिशियल एग्जाम में प्राप्त कर लिया था, फिर भी वो इनरोल नहीं करा सके कॉलेज में, क्या होगा? हेंस लगाना चाहेंगे, हेंस मीन्स इसलिए, देयरफॉर लगाना चाहेंगे, इसके मीन्स भी इसलिए, मोर ओवर लगाना चाहेंगे, इसके मीन्स इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स के सेंस में, इवन दो लगाना चाहेंगे, हालांकि, भले ही, ये होता यद्यपि, तो परवीन एंड नीलिमा कुड नॉट एनरोल इन द कॉलेज, वो कॉलेज में एनरोल नहीं कर सके, उन्होंने पासिंग स्कोर ऑफिशियल एग्जाम में प्राप्त कर लिया, तो अगर पासिंग स्कोर ऑफिशियल एग्जाम में प्राप्त कर लिया था फिर भी वो इनरोल नहीं करा सके, तो क्या हेंस मोर एवर या देयरफॉर ले सकते हैं क्या? बिल्कुल इजी है, इवन दो, अब उल्टा बोले, परवीन एंड नीलिमा कुड नॉट एनरोल इन द कॉलेज, यानी वो कॉलेज में एनरोल नहीं करा सके, यद्यपि की होगा ना, यद्यपि की दे हैड ऑलरेडी मैनेज्ड टू गेट अ पासिंग स्कोर इन द ऑफिशियल एग्जाम, यानी डी ऑप्शन, ये आपका जो है इवन दो, ये जितनी बढ़िया हिंदी समझेंगे उतना बढ़िया आप कर लेंगे, हिंदी नहीं समझेंगे तो आप दोष नहीं दीजिए किसी को, आपकी कमी होगी या आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे कर पाएंगे, तो कहीं कहीं धीरे धीरे पढ़िए आप चीजों को समझें। जैसे जो छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो हम उनसे कहते हैं कि आप अभी से अपना टारगेट बना लीजिए कि पहला हमारा टारगेट क्या है, जो लिखा है उसे टेंस में, मॉडल्स में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में समझ सके, ताकि जब हमारे पास वर्ड पावर हो जाए तो हम पूरा किसी भी पैसेज को, कि कॉन्सेप्ट को क्या कर ले, हम ग्रास्प कर सके। ये सबसे बड़ी पूंजी होगी अगर आप अभी भी समय दें, अपना पढ़ना सीखें, कैसे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ये सीखें, तो आप इसे समझ जाएंगे क्या लगाना। 16th क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, 16th, व्हाट वुड यू हैव डन, आना चाहिए आपको तुरंत, जैसे आपने देखा, व्हाट वुड यू हैव डन If you dash the train, बिल्कुल इजी है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, अगर कंडीशनल कास्ट इफ सीक्वेंस ऑफ टेंस इनवर्जन क्वेश्चन टैग वगैरह आप तैयार कर लेते हैं, हर जगह इनका यूज मिलेगा, कर लेंगे ना। What would have you done? आपने क्या किया होता If you dash the train? बिल्कुल इजी, देख के बता देंगे आप, क्या सोच रहे हैं आप? If you have missed, ये सोच रहे हैं नहीं ना, If you miss, सोच रहे हैं क्या?
इफ यू मिसिंग हो ही नहीं सकता है, इफ यू हैड मिस्ड दौड़ के होगा ये, क्यों नहीं होगा, क्योंकि व्हाट वुड यू हैव डन वुड हैव, यानी ये क्लास किसमें हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट, तो यही ना हैड मिस्ड, यानी आपका ये ऑप्शन हो जाए, इफ यू वुड हैव व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड मिस्ड द ट्रेन, बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 17वां आपके साथ, समटाइम्स एक ही साथ रहेगा, समटाइम्स कभी कभी इट इज गुड अच्छा होता है टू डैश योर सोल इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, क्या अपनी आत्मा अपना दिल अपना कलेजा अपने मित्रों के साथ ओपन कर दो, आजकल तो बहुत सारे दिल हैं, कितना ओपन करेंगे लोगों के, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा ऐसे, तो समटाइम्स इट इज गुड टू डैश योर सोल इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, कभी कभी मित्रों के सामने अपना दिल अपनी आत्मा को बियर कर देना चाहिए, बिल्कुल भी भिगोइएगा नहीं, कभी आप ध्यान रखिएगा, अपने मित्रों के सामने अपनी आत्मा को बेयर कर देना चाहिए, ओपन कर देना चाहिए, खोल देना चाहिए, अपनी आत्मा को बियर कर देना चाहिए, सहन करना चाहिए, अपनी आत्मा को बार कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए, अंदर ही रहना बाहर नहीं निकलना, ऐसा है क्या, बहुत आसान है ना, क्या हो जाएगा, हम अपने मित्रों के सामने अपना दिल खोल के रख देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो समटाइम्स इट इज गुड टू बेयर, हो जाएगा बेयर योर सोल इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, ज्यादा लोगों के सामने अपना दिल खोल के ना रखिएगा, तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, तो समटाइम्स इट इज गुड टू बेयर योर सोल, बेयर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, बेयर ओपन कर देना खोल के रख देना। 18th क्वेश्चन आपके सामने है, माय टेनिस प्लेयर इज अ डैश, यानी मेरी जो टेनिस खिलाड़ी वो है, शी विल नॉट प्ले मिक्स्ड डबल्स इन शॉर्ट्स और टेनिस स्कर्ट, वो शॉर्ट्स पहन करके या टेनिस स्कर्ट पहन के डबल्स का गेम नहीं खेलते हैं, शी इज ओवरली कंसर्न, वो कुछ ज्यादा ही चिंतित रहती है अबाउट बींग प्रॉपर और मॉडेस्ट, मीन्स कि वो हमेशा प्रॉपर उचित तरीके से रहे और मॉडेस्ट विनम्र तरीके से रहे, विनम्र तरीके से रहने वाली शख्स जो है मेरी टेनिस प्लेयर वो कौन है, रूड है अशिष्ट है, प्रूड है यानी पाखंडी है, जिसको अपनी बोलचाल अपने रहन सहन लोगों से बातचीत वगैरह करने बहुत सावधानी बरतनी पड़ती हो, एडमोनिस है होगा नहीं आपकी वर्ब है आपकी, लॉयल है वफादार है वो नहीं होगा ना, माय टेनिस प्लेयर इज अ ए के बाद रूड नहीं होगा भी तो रूट का यहां पे अर्थ नहीं है, एडमोनिश वर्ब है नहीं होगा, लॉयल एडजेक्टिव है ए के बाद नहीं होगा, तो माय टेनिस प्लेयर इज अ प्रूड, प्रूड क्या होता है, वन हु इज टू केयरफुल अबाउट हिज और हर मॉडेस्टी, जो अपने मॉडेस्टी को लेकर विनम्रता को लेकर शालीनता को लेकर कुछ ज्यादा ही मतलब केयर करता है कंसर्न रखता है, और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे पाखंडी हो जाएगा, शो ऑफ करने लगता है, देखो मैं इतना विनम्र हूं, दिस इज प्रूड, तो चूंकि वो डबल्स में टेनिस स्कर्ट नहीं पहनती है, वो शॉर्ट्स नहीं पहनती है, क्योंकि उसे लगता है गलत है, तो जो इन सब चीजों का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखता है वो प्रूड कहलाता है, तो माय टेनिस प्लेयर इज अ प्रूड हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन ये हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन पे आ गया हम लोग, इफ आई डैश अ मोर रिलायबल कार आई डैश टू दिल्ली रेदर देन फ्लाई, क्या होगा, यह एक शब्द शायद छूट रहा होगा, गॉन वगैरह होना गो वगैरह होना चाहिए था कुछ, चलिए क्या लेंगे आप, इफ आई वुड हैव अ मोर रिलायबल कार, इफ आई हैड अ रिलायबल कार, इफ आई हैड अ रिलायबल कार, If I would have had a reliable car, देखिए जब भी होगा ध्यान रखिएगा इन्हीं दो में से कुछ होगा, If I वाले क्लास में ट्रेडिशनल ग्रामर में आप would have नहीं ले सकते, तो A और D को एलिमिनेट कर देते हैं, लीव आउट कर देते हैं, अब देखना इनमें से कौन सा होगा, तो If I had a more reliable car, यदि मेरे पास एक
और भरोसेमंद गाड़ी होती, कार होती, तो आई क्या गया, आई ड्रिवन टू दिल्ली होगा क्या? गलत हो गया ना, आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन. इफ आई हैड अ मोर रिलायबल कार आई वुड ड्राइव टू दिल्ली रैदर देन फ्लाई. यानी मैं ड्राइव करके जाता रैदर देन फ्लाई, किसके अपेक्षा? हवाई यात्रा करने की अपेक्षा. यानी सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है. आप इसे देखेंगे कंडीशनल से है, बहुत इजी है, कर लेंगे आप. जहां पे आपको लगे कि कोई कंट्रोवर्सी है, दिक्कत है आपकी, जरूर मैं शेयर करें, बताएं इस तरह आप संतुष्ट नहीं, मैं निश्चित आप सॉल्वाई करने की कोशिश करूंगा. 20वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग. टेलिंग अ स्मॉल लाई, छोटा सा झूठ बोल देना, समटाइम्स कभी कभी इनेबल्स वन, एक व्यक्ति को सक्षम बना देता है टू अवॉइड डैश अनदर्स फीलिंग्स, दूसरों की फीलिंग को क्या करने से. देखें कर लेंगे आप, बहुत आसान है. क्या नहीं करेंगे आप, कभी कभी आप छोटा छोटा झूठ बोल देते हैं. किस लिए झूठ बोलते हैं आप? ताकि सामने वाले की फीलिंग्स क्या ना हो, नथिंग ना हो, एलिमिनेटेड. हर्टिंग करने से अवॉइड के बाद जानते होंगे आप, कल आपने पढ़ा था ना, अवॉइड अवॉइड के बाद आई एन जी आएगा, ठीक है. तो टेलिंग अ स्मॉल लाई समटाइम्स इनेबल्स वन टू अवॉइड क्या होगा, फीलिंग्स चीख चीख के कह रही हैं, क्या बेस्ट होगा यहां पे? फीलिंग्स को आप स्टॉप करना चाहेंगे, आप फीलिंग्स को हार्म करना चाहेंगे, या फीलिंग्स को हर्ट करना चाहेंगे, क्या बेस्ट होगा? फीलिंग्स तो हर्ट से बिलोंग करता है ना. तो टेलिंग अ स्मॉल लाई समटाइम्स इनेबल्स वन टू अवॉइड हर्टिंग अनदर्स फीलिंग्स. कभी कभी आप जानबूझ के झूठ बोल देते हैं. किस लिए बोल देते हैं झूठ? ताकि आपके साथ जो जुड़ा हुआ है उसकी फीलिंग्स क्या ना हो, हर्ट ना हो, यही ना. तो बी ऑप्शन, ये आपकी भावना पे भी जुड़ा हुआ है. आप थोड़ा सा कलेजे से सोचेंगे, हार्ट से सोचेंगे, तो आप जरूर समझ लेंगे. मेरी लाइन हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में आपका हार्ट ही हर्ट होता रहता है. हार्ट दिल, और हर्ट दिल को चोट पहुंचना, तो फीलिंग्स को क्या पहुंचती हैं? चोट पहुंचती हैं. तो आपने अवॉइड करते हैं कि मतलब उसकी फीलिंग्स को चोट न पहुंचाएं, इसलिए कभी कभी छोटे छोटे आप क्या बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं. बोलना भी चाहिए. कोई बीमार है, आप सच बोल करके उसे मार दें से बेहतर झूठ बोल के उसे क्या कर लें, आप बचा लें आप उसे. चलिए 21वां प्रश्न हमारे सामने. आफ्टर डैश द फ्लैग टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट, उस स्पोर्ट्स मीट यानी खेल के आयोजन को इनॉग्रेट करने के लिए जो चेयरमैन थे उन्होंने एक लंबा स्पीच दिया. क्या करने के बाद? आफ्टर राइजिंग द फ्लैग, आफ्टर रेजिंग द फ्लैग, आफ्टर रेज द फ्लैग, या आफ्टर दोनों जगह रेज ही है, यहां राइज होना चाहिए था, आर आई एस सी. तो राइज या रेज कौन सा हो? पहले तो आप इनको उठा के पढ़ दीजिएगा, फेंक दीजिएगा इनको उठा करके. क्यों? क्योंकि आफ्टर है, आफ्टर के बाद ये किसी भी कीमत पे यूज नहीं होंगे. आफ्टर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी भी अवस्था में नहीं आ सकती अगर वो प्रीपोजिशन है तो आफ्टर के बाद ये हटा. तो आफ्टर राइजिंग द फ्लैग होगा या आफ्टर रेजिंग द फ्लैग आना चाहिए आपको, बहुत इजी है. आफ्टर राइजिंग द फ्लैग या आफ्टर रेजिंग द फ्लैग, ये कब कर पाएंगे आप? जब दोनों के माइन्यूट डिफरेंसेस समझे. राइज क्या होता है? कोई चीज का लेवल उठ रहा है, ये राइज है आप. रेज क्या होता है? आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं. तो यहां फ्लैग राइज करेगा क्या, कि आप उस फ्लैग को उठाएंगे लहराएंगे, आप क्या करेंगे? ये नहीं होगा ना, ये कतई नहीं होगा, ये हो यही ना, ये गलत है, ये सही है. रेज यानी आफ्टर रेजिंग द फ्लैग, फ्लैग को रेज करने के बाद टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट, यानी उस स्पोर्ट्स मीट का इनॉग्रेट यानी शुभारंभ करने के लिए उस फ्लैग को रेज करने के बाद उन्होंने लंबा चौड़ा क्या दिया, भाषण दिया. किन्होंने दिया?
चेयरमैन ने, उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया। वैसे यहाँ गिव से बेहतर डिलीवर्ड या मिड वर्ड का प्रयोग होना चाहिए था, गिव स्पीच ऑट लगता है। और ये 22वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाट एन डैश स्टोरी, आई एम नॉट डैश एनफ येट टू बिलीव इट, व्हाट एन इनक्रेडुलस स्टोरी, आई एम नॉट क्रेडुलस एनफ येट टू बिलीव इट। पहले एक करेक्शन कर लें आप थोड़ा सा, मुझे लगता है ये इनक्रेडुलस लिखा है, यहां इनक्रेडुलस नहीं होगा, इसे काट देते हैं ये, और इसके स्थान पे एक नया शब्द लेते हैं ये, समझ रहे हैं ना क्या लिखा है, इनक्रेडिबल है ना, इनक्रेडिबल। तो व्हाट एंड, आप समझ के हमने आंसर यही हो जाएगा, व्हाट एंड इनक्रेडिबल स्टोरी, क्या अविश्वसनीय कहानी, आई एम क्रेडुलस, आई एम नॉट क्रेडुलस, लेकिन मैं इतना बड़ा विश्वासी नहीं हूं ये टू बिलीव इट, फिर भी मैं इस पर क्या कर लू विश्वास कर। अगर आप कहते व्हाट एन इनक्रेडिबल स्टोरी, सही है, आई एम नॉट क्रेडिबल एनफ ये टू बिलीव, क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय होता है, तो क्रेडिबल का कोई मतलब नहीं है। व्हाट एन इनक्रेडिबल स्टोरी, आई एम नॉट बिलीवेबल, नॉट गलत है, कोई मतलब नहीं आप इसका। व्हाट एन अनबिलीवेबल स्टोरी, छोड़ दे इसको, कोई मतलब ही नहीं है, ए ऑप्शन होगा, व्हाट एन इनक्रेडिबल, यहां था ना आपका ये, व्हाट एन इनक्रेडिबल स्टोरी, यानी कितनी अविश्वसनीय कहानी है, आई एम नॉट क्रेडुलस है, आई एम नॉट क्रेडुलस एनफ येट टू बिलीव, फिर भी मैं इतना बड़ा विश्वासी नहीं हूं कि मैं इस पर विश्वास करूं। यू नो हु इज क्रेडुलस, वन हु इजिली बिलीव्स अदर्स व्हाट दे से, जब आप किसी पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं जो वो कहते हैं, तो आप क्या होते हैं, क्रेडुलस होते हैं, यानी मैं इतना बड़ा क्रेडुलस नहीं हूं कि आप जो भी कहेंगे मैं विश्वास कर लूंगा, भले ही आपकी कहानी क्या है, बहुत इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है। ओके, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। और ये लास्ट क्वेश्चन है सेंटेंस फिलर का, द कन्विक्ट ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, कन्विक्ट अपनी पूरी कोशिश की टू जस्टिफाई हिमसेल्फ कि वो सही है ये ठहराने के लिए, बट द जज लुक्ड डैश हिम एंड फाउंड हिम गिल्टी, जज ने उसे लुक्ड एट किया, उसकी तरफ देखा, जज ने उसे लुक्ड टू किया, उसको देखा, जब जज ने उसे लुक्ड थ्रू किया, उसे एग्जामिन किया, या जज ने उसे लुक्ड अराउंड किया, उसे चारों तरफ उसके देखा, होगा क्या, कर लेंगे, बिल्कुल इजी है, बी ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन। लुक थ्रू क्या होता है, एग्जामिन करना, जांच करना, लुक इनटू करना, जांच पड़ताल करना, तो उन्होंने क्या किया, लुक थ्रू हिम, यानी उन्होंने उसकी जांच की एंड फाउंड हिम गिल्टी, और पाया कि वो क्या है, दोषी। बिल्कुल इजी था, कर लेंगे आप। और ये सेंटेंस अरेंजमेंट देख लें और बताएं मुझे क्या आंसर होगा, बोले, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। कौन सा आंसर इसमें बेस्ट है, सोच लें। सोच लिया आपने, हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस, नॉलेज वुड लूज विदाउट हार्डवर्क इफ वी कुड अक्वायर इट, हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस, इसकी आधी सुंदरता और उपयोगिता, नॉलेज वुड लूज, नॉलेज जो है खो देगा, विदाउट हार्डवर्क, बिना हार्ड वर्क के, इफ वी कुड अक्वायर इट, यदि हमने इसे प्राप्त किया। आप ये देख रहे होंगे ये दोनों तो सही है,
इफ वी कुड अक्वायर इट विदाउट हार्ड वर्क। ये तो क्लू है आपका कि जब भी आएगा एस के बाद आर आएगा। अब प्रश्न पहले क्या आएगा, तो अगर आपको थोड़ा सा भी सब्जेक्ट वर्ब वगैरह समझ में आता हो, ये वुड आपको बता रहा है कि वुड यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये क्या है यहां पे सब्जेक्ट नॉलेज। तो नॉलेज वुड लूज, नॉलेज खो देगा, क्या खो देगा वो विदाउट हार्ड वर्क, मतलब ही नहीं कभी होगा, क्या खो देगा इफ वी, कभी होगा ही नहीं, इसके बाद जब भी होगा, ये जो नॉलेज है आपका, नॉलेज के बाद जब भी आएगा, नॉलेज वुड लूज के बाद हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस, यानी नॉलेज वुड लूज हाफ इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस, यानी ज्ञान जो है वो अपनी आधी सुंदरता और अपनी उपयोगिता को खो देगा, कब, इफ वी कुड अक्वायर इट विदाउट हार्ड वर्क, यदि हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं बिना हार्ड वर्क। अगर आप तय कर रहे हैं एस आर एक साथ होगा, तो देखिए ए में नहीं, एस आर ए में, बी में भी नहीं, एस आर सी में है, एस आर है, हो गया आपका आंसर, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और अगर आप सब्जेक्ट वर्ब वगैरह ढूंढ सकते थे, वाक्य के कॉन्सेप्ट को समझ सकते तो भी समझ सकते थे कि वाक्य आपका क्यू से शुरू होगा, नॉलेज, नॉलेज वुड लूज यानी ज्ञान खो देगा, क्या खो देगा, हाफ इट्स ब्यूटी, अपनी आधी सुंदरता एंड यूजफुलनेस और अपनी उपयोगिता, कब, इफ वी कुड अक्वायर इट विदाउट हार्ड वर्क, बिना परिश्रम के यदि हम इस नॉलेज को प्राप्त करते हैं, वो नॉलेज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खो जाएगा, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यस क्यू पी एस आर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका, देख और बताएं मुझे कौन सा सही होगा, सोच के देखें आप, स्टडीज कॉन्डक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स रिवील, तो पहला पोर्शन है रहेगा ही, यानी यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ स्टडीज कॉन्डक्टेड, यानी कुछ अध्ययन हुए, जो अध्ययन किए गए वो स्टडीज रिवील, वो ये अध्ययन बताते हैं, क्या बताते हैं, टू द सुपरमार्केट, क्या रिवील के बाद टू द सुपरमार्केट आएगा क्या, नहीं, रिवील स्पेंड ऑन एन एवरेज 5.676 डॉलर्स आएगा क्या, रिवील के बाद क्या आएगा, दैट आएगा ना, स्टडीज कॉन्डक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स रिवील, यानी वो ये प्रकट करते हैं दैट की वीमेन, कि वो औरतें हु हैवेंट ईटन, जिन्होंने भोजन नहीं किया है, यानी जब भी आएगा आर आएगा हमारा, ठीक है। अब अगर आर आ रहा है तो सारे ऑप्शन थे, ये दो तो आउट हो गए आपके, दो बचे सी और डी, सी भी आर से डी भी आर से, एक में आर के बाद एस है और एक में आर के बाद क्यू है, पहले आर के बाद एस लगा के देखते हैं, स्टडीज कॉन्डक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स रिवील दैट Women who haven't eaten prior to their weekly visit, सही है, जिन्होंने अपनी वीकली विजिट से पहले क्या नहीं किया हो, भोजन नहीं किया हो, वो औरतें इस, अच्छा यहां विजिट के बाद टू आ जाएगा, विजिट टू है ना, आर एस पी क्यू, विजिट टू द सुपर मार्केट, ये भी सही है, दैट वीमेन हु हैवेंट ईटन प्रायर टू देयर वीकली विजिट टू द सुपरमार्केट, वो औरतें जो भोजन नहीं करती हैं सुपरमार्केट जाने से पहले, वो औरतें स्पेंड ऑन एन एवरेज 5.76 डॉलर्स अबव देयर नॉर्मल परचेसेस, वैसे भी ये ऑप्शन लास्ट में ही आना था, लेकिन हमारा ऑप्शन आर के बाद एस था, आर के बाद क्यू लगा के देखते हैं, स्टडीज कंडक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स रिवील दैट Women who haven't eaten spend on an average 5.6 dollars. अब अगर आप लेबल लेते हैं तो फिर ये वाला पोर्शन आपका अधूरा रह जाए, कहीं नहीं पूरा होगा, क्योंकि ये ऑप्शन इसी के पास है, that women who haven't eaten, कब नहीं खाना खाया उन्होंने, prior to their weekly visit, अपनी weekly visit से पहले, कहां की visit, to the supermarket, ये जो विजिट है ये चीख चीख के कह रहा है
इस एस के बाद जब भी आएगा पी आएगा। आप जानते होंगे आई मेड अ विजिट टू दिल्ली होता है, तो अगर ये विजिट कह रहा है कि पी आएगा यानी एस के बाद पी आएगा, एस के बाद पी यहां पे है लेकिन चूंकि आर पहले आएगा ये क्लियर है तो फिर ये होगा नहीं, एस के बाद पी इसमें है नहीं, एस के बाद देख लीजिए है ना, यानी क्लियर थे आप आर और एस के बाद पी क्लियर है, यानी जब भी हुआ क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये एक प्रयास था, दो सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस मैंने डाले, प्रैक्टिस करें धीरे धीरे, ये कभी भी आप रट के नहीं कर सकते, जितना बेहतर पहले इसका कॉन्सेप्ट समझें, फिर दूसरा अगर पहला पोर्शन आपको दिया है तो उससे जोड़ने की कोशिश करें। जैसे मैंने देखा कि स्टडीज कॉन्डक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स रिवील, यानी वो प्रकट करती है, क्या प्रकट करती है दैट, यानी ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने सब्जेक्ट खोल लिया, इसके बाद ये क्लास हमारी आए, ये चीज करें, कॉन्सेप्ट समझें और कनेक्शन करना सीखें, कनेक्ट करना सीखें, जोड़ना सीखें। जैसे मैंने कहा कि एस के बाद जब भी आएगा पी आएगा कैसे, क्योंकि प्रायर टू देयर वीकली विजिट टू, हम जानते हैं विजिट सर टू आएगा, यानी ग्रामर का प्रॉपर नॉलेज होगा तो आप ए पी के वाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट हुई आपसे कि मेरी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, आप बच्चों को बताते रहें आप, ताकि मैं भी और एंथुसियाज्म के साथ और फर्वर के साथ आपकी मदद कर सकूं मैं, क्योंकि कभी भी आपको पता है कि जब एक खिलाड़ी जो है वो खेल रहा होता है और उसके इर्द गिर्द दर्शक नहीं होते हैं तो फिर उसे और लगता है और वो उतने उत्साह से प्रदर्शन नहीं कर पाता है, बट अगर उसे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो उसका उत्साह बढ़ाने के लिए वहां पर हैं तो फिर वो और अधिक मनोबल और अधिक मोरल के साथ अपना प्रदर्शन करता है। मैं भी चाहता हूं आप सपोर्ट करें मुझे, अधिक से अधिक बच्चों को बताएं ताकि मेरे अंदर ही रहे, मैं जिनके लिए कर रहा हूं वो बच्चे भी मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जरूर करिए। इसी आशा में इसी विश्वास के साथ कल फिर से 9 बजे कल मैं आपके साथ पुनः उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।